स्टूडेंट टेक्निक में तो आज हम बात करेंगे स्प्रिंग बूट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर एक्सपीरियंस्ड एंड फ्रेशर्स। ओके तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है व्हाट इज स्प्रिंग बूट एंड व्हाई डू यू यूज इट। स्प्रिंग बूट क्या है और आप उसको क्यों यूज करते हैं। तो स्प्रिंग बूट क्या है, एक जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है जो आपका काम आसान कर देता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाने के लिए जो कि प्रोडक्शन रेडी होता है, राइट। ठीक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट है जैसे इजी कॉन्फ़िगरेशन है, ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन रेडी फीचर्स है जैसे कि आप इसका हेल्थ चेक कर सकते हैं एक्चुएटर के थ्रू, मेट्रिक्स है, इसमें एक्सटर्नलाइज कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, तो ये आप बता सकते हैं इंटरव्यूअर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल इन स्प्रिंग बूट एंड व्हाट इज इट यूज फॉर। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल क्या और इसको यूज क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसके द्वारा आप अपने एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी सर्वर का पोर्ट चेंज कर सकते हैं, अपने डेटाबेस का डिटेल्स दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू क्रिएट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप स्प्रिंग इनिशियलाइजर वेबसाइट पे जाइए जैसे https://start.spring.io, यहाँ पे जाके आप जनरेट कर सकते हैं और उसको डाउनलोड करके अपने IDE में इंपोर्ट करके चला सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अगर IDE यूज कर रहे हैं इक्लिप्स या IntelliJ तो वहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने का, तो आप दोनों में से कोई एक तरीका से क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है कि स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं IDE में, तो आप उसको चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर या आप प्लेलिस्ट पे जाके भी देख सकते हैं, स्प्रिंग बूट के नाम से होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हाउ डू यू कनेक्ट टू अ डेटाबेस इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। डेटाबेस से आप कैसे कनेक्ट करेंगे, तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो आपको डिपेंडेंसी डालनी होगी pom.xml फाइल के अंदर, और दूसरी चीज आपको क्या करना होगा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर डेटाबेस से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है वो डालने होते हैं, राइट, जैसे यूजर नेम, यूजर का पासवर्ड, URL, ये सारी चीजें। ठीक है, तो वो आप डाल देंगे, देन होस्ट नेम, ये सारी चीजें डाल देंगे तो वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर एंड व्हाट इज इट यूज फॉर। स्प्रिंग बूट स्टार्टर क्या है और आपको क्यों यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या है, एक डिपेंडेंसी होता है जो कि आपको एक पार्टिकुलर फीचर या सेट ऑफ फीचर को इनेबल कर देता है। जैसे आप स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब डालेंगे तो जितने भी इससे रिलेटेड आपकी लाइब्रेरीज या जार्स फाइल्स जो भी होती है वो सारी की सारी आपकी कॉन्फ़िगर हो जाती है, राइट। साथ के साथ आपको टॉमकैट सर्वर मिल जाता है इस डिपेंडेंसी को डालने से। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि हाउ डू यू क्रिएट REST API इन स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट का यूज करके REST API कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, राइट, और उसमें आपको डिपेंडेंसीज डालनी होगी स्टार्टर वेब काइंड ऑफ, देन एक कंट्रोलर बनाना होगा उसके अंदर REST कंट्रोलर, रिक्वेस्ट मैपिंग, रिक्वेस्ट बॉडी एंड रिस्पॉन्स बॉडी, ये सारी चीजें डालनी होती है REST API बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद से हम लोग ये देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ डू यू सिक्योर ए स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, आप कैसे सिक्योर कर सकते हो। तो इसके लिए आप स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज कर सकते हो जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल और पावरफुल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है स्प्रिंग बूट के थ्रू, है ना। देन आप इसके अंदर इससे क्या कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये सारी चीज़ें जो है, पासवर्ड हैशिंग, ये सारी का सारी चीज़ें आप कर सकते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज करके। नेक्स्ट है हाउ डू यू डिप्लॉय स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन टू ए प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कैसे डिप्लॉय कर सकते हो। तो पहला तो एक है, आप तो या तो जार बना लीजिए, राइट, और उसको उस जार को डिप्लॉय कर दीजिए, या फिर आप डॉकर जैसा कुछ कंटेनराइजेशन यूज कर सकते हैं जो कि आपका स्मूथ कर देगा। ठीक है, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू यू कॉन्फ़िगर लॉगिंग इन ए स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं, आप तो या तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर आप लॉगिंग लेबल डिफाइन कर दीजिए, जैसे लॉगिंग लेबल रूट पे आप क्या रखना चाहते हैं उसके अंदर आप और भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट, कि इन्फो रहेगा, ट्रेस रहेगा, लॉग रहेगा, वार्न रहेगा, ये सारी चीज़ें। या फिर आप चाहे तो लॉग बैक डॉट XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल को भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे आप लॉगिंग ऑप्शन को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर सम कॉमन
pitfalls to avoid when using Spring Boot. तो इसमें एक जो पहला चीज है कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का ज़्यादा यूज नहीं करना है, जहाँ पे जरूरी है वहीं पे यूज करिए, आप सिक्योरिटी को इग्नोर मत कीजिए और टेस्टिंग प्रॉपर होना चाहिए आपका, है ना, कि जैसे टेस्टिंग में किस तरह की टेस्टिंग, तो यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये दोनों आपकी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनलाइजेशन इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैसेज सोर्स और लोकल रिजॉल्वर इंटरफेस इनका यूज करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अलग अलग जो, जैसे सपोज आपको एक फ्रेंच में देना है, एक इंग्लिश में देना है, तो उसके लिए अलग अलग आपको मैसेज सोर्स या लोकल फाइल बनानी होती है, एंड देन लोकल रिजॉल्वर के थ्रू वो डिटरमाइन कर सकता है कि कौन सा है उसको दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू यू क्रिएट अ कस्टम स्टार्टर इन स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट में आप कस्टम स्टार्टर कैसे यूज कर, कैसे बना सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले देखिए मैवेन आर्टिफैक्ट बनाना होगा, उसमें नेसेसरी डिपेंडेंसीज डालनी होगी और कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, जिसको आप इनेबल करना चाहते हैं। देन आपको स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट यूज करना होगा, पेरेंट फॉर्म जिस, और स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट डिपेंडेंसी। उसके बाद आपको जो भी आपका डिपेंडेंसी कॉन्फ़िगरेशन है आपका कस्टम फीचर का, उसको pom.xml फाइल और फिर spring.factories फाइल, इसके अंदर जाके आपको ये बनाना पड़ेगा कस्टम स्टार्टर, राइट। अगर आप इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करके बताना, मैं ना इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि इसको कैसे बना सकते हैं, तो ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू यू इनेबल https इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। आप जैसे अभी जो भी आप एप्लीकेशन बनाते हो HTTP पे होता है, अगर आपको HTTPS पे करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको SSL सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है ना, server.ssl प्रॉपर्टीज, और उसको आपको अपने एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज के अंदर स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहे तो अपना एक सर्वर पोर्ट भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपका HTTPS वाला इस पर्टिकुलर सर्वर पोर्ट पे चले, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाउ डू यू इंटीग्रेट विथ अ मैसेज ब्रोकर, जैसे आप आचे काफ्का वगैरह के साथ कैसे करोगे, ठीक है ना। तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, डिपेंडेंसी चाहिए होगी अपाचे काफ्का की, ठीक है ना। उसके अलावा आपको कनेक्शन डिटेल वगैरह जो भी नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशन है वो सब कहाँ करना होगा, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर करना होगा, ठीक है। तो आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग ये अपाचे काफ्का को भी इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो उसका वीडियो आने वाला है, तो मैं बता दूंगा, है ना। तो आप फॉलो करते रहना उस स्प्रिंग बूट प्लेलिस्ट को, ठीक है, उसमें आएंगे ये। नेक्स्ट है, हाउ डू यू इंटीग्रेट विथ ए NoSQL डेटाबेस, ये भी मैं इस पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत जल्द आएगा वो सब भी। तो सबसे पहले कि MongoDB जो होता है NoSQL डेटाबेस होता है, तो इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करता, जैसे आपका डेटाबेस SQL डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं वैसे ही NoSQL डेटाबेस को भी कनेक्ट करते हैं। इसके लिए भी आपको डिपेंडेंसीज डालनी होगी और इसके जो कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ है वो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर डालनी होती है, ठीक है। और बाकी उसके बाद स्प्रिंग डाटा MongoDB API के थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये 15 क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।